नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम बहुत ही बेहतरीन रेसिपी ट्राई कर रहे हैं। इसको बनाने के लिए जो है आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। कीर्ति ऑफिशियल ब्लॉग में इसकी शुरुआत करते हैं। स्वागत है। और आज हम बना रहे हैं दही बड़े। इसके लिए हमने जो है उड़द की दाल को पीस कर लिया है और स्वाद अनुसार काला नमक लिया है। अब हम इसको जो है फेंटेंगे। दाल को जो है अच्छे से फेंटना है जिससे ये हल्की हो जाती है और हमारे दही बड़े जो है फूले फूले बनते हैं। इस तरह से जितना आप फेंटेंगे उतनी सफ़ेद हो जाएगी। अच्छे से इसको फेंटें। दाल को जो है हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम जो है इसके बड़े बनाते हैं। हमने पाटे पर जो है गीला कपड़ा बिछा लिया है। इस पर हल्का सा पानी छिड़केंगे और इस तरह से जो है हमें इस तरह इनको गोल गोल कर लेना है और हाथ में पानी लगाएं जिससे कि हाथ में चिपके नहीं। और इसको गोल शेप देना है आपको इस तरह से। और दूसरी तरफ जो है हमें कढ़ाई में तेल को गर्म करना है। कढ़ाई ज़्यादा तेज ना हो, कम ही रहे। और पानी की सहायता से जो है हम इस तरह से इसको गोल करके यूं करके कढ़ाई में डालते हैं सभी बड़ों को। और हमने जो है सभी जो बड़े हैं उनको हमने इसमें डाल दिया है। देखिए कढ़ाई में। और ये अच्छे से इनको सेक लेना है। इसके बाद इन्हें हींग के पानी में डालेंगे। हींग का पानी हमने पहले ही उबाल के रखा है, उसमें डालने से जो है ये डाइजेशन में आसान रहते हैं, स्वाद अच्छा आता है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से सिक रहे हैं। और हमारे सभी बड़े जो हैं वो इस तरह से बिल्कुल करारे सिके हैं। देखिए अब इनको जो है हम हींग के पानी में डालेंगे। हमने हींग का पानी पहले से उबाल कर रखा है, इसमें डाल देंगे जिससे ये खूब अच्छा सा फूल जाते हैं। और देखिए दोस्तों, हींग वाले पानी में जो है बड़े जो है अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इनको प्लेट में जो है सर्व करते हैं। और हमने प्लेट में जो है इनको निकाल लिया है। अब इन पर दही डालेंगे, हरी चटनी डालेंगे धनिया वाली, मीठी सौंठ डालेंगे और हमने स्वाद अनुसार नमक मिर्च डालना है। नमक तो पहले भी इसमें डाल चाहिए, काला नमक डालेंगे। और हमारे जो हैं स्पेशल दही बड़े तैयार हैं। एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही अच्छे टेस्टी और देखिए बहुत ही सॉफ्ट हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।